व्हाट्स अप पीपल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं? टू द चैनल उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे खैर खैरियत से होंगे इन्जॉय कर रहे होंगे और जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रशिया और वेस्ट के दरमियान एक कह रहे थे कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है और न्यूज़पेपर्स में भी ये आ रहा था कि मतलब करमलिन जो है उन्होंने सीधी सीधी धमकी दी कि जनाब अगर वेस्ट बाज ना आया तो फिर हम न्यूक्लियर वार हेड या फिर अगर रशिया की आप कह लें बाउंड्रीज़ को कोई ख़तरा महसूस हुआ तो हम न्यूक्लियर यूज़ करने में देरी नहीं लगाएंगे लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसके कोई इम्कान नहीं है कि रशिया इतना कमज़ोर हो कि उसे न्यूक्लियर की तरफ आना पड़े भारत इस पर जो है ना तमाम वर्ल्ड के जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी अपनी राय दी थी और हाँ आपको पता ही है कि क्रेमलिन के जो हैं वो मोदी साहब से कितने अच्छे चट्डी बड्डी वाला ताल्लुक है तो अब ये वीडियो आई है जिसका टाइटल है कि मोदी ने अपने दम पर रुकवा दी न्यूक्लियर वॉर तो अब हमें ये तो नहीं पता कि आपस में कोई बात हुई थी नहीं हुई थी ये लोग सिर्फ कमेंट कर रहे हैं ये देखने के बाद पता चलेगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले कन प्रेस कर लो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो या कोई सजेशन दो

जिसमें दो सीनियर अधिकारियों के हवाले से दावा करते हुए बताया गया है कि साल 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति से बात कर यूक्रेन में होने वाले परमाणु हमले को रोकने में मदद की थी रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन परेशान था कि रूस यूक्रेन को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है इसको लेकर अमेरिका ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अन्य देश के नेताओं के साथ संपर्क किया और हमने साफ संदेश दिया अब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस न्यूक्लियर वॉर को रोकने में काफी अहम भूमिका निभाई है तो चलिए दोस्तों okay. आज की वीडियो की तरफ चलते थैंक सो मच रशिया यूक्रेन वार जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस हवाले से है जी हाँ सी एन एन की जो है वो ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक साल ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर जो है वो रशिया जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो यूक्रेन के ऊपर करने जा रहा था जिसमें अमरीका सही? ने इंडिया को बीच में शामिल किया और इंडिया को कहा कि आप रशिया को जो है वो मनाएं इस इसपे अगर देखा जाए तो डे बाई डे जिस तरीके से इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इंफ्लुंस बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर रशिया ने जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है है बात की जाए तो रशिया जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने जा रहा था यूक्रेन के ऊपर अमरीका ने इंडिया को इन्वॉल्व किया और इंडिया का कहना जो है अब मान लिया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो मान लिया गया है और रशिया ने सीएनएन की रिपोर्ट ये कहती है कि रशिया अब न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा एज आ पाकिस्तान सर किस तरह देखते हैं इंडिया का बढ़ता इन्फ्लुंस सर ये इंडिया का तो जो बढ़ता इन्फ्लुंस है अदर तो ये नॉर्मल पाकिस्तानी सोचे जिसके पास लाइक इलम नहीं है वो तो यही कह रहे थे ते, नेगेटिव चीज़ है ये अच्छा नहीं हो रहा इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है लेकिन एज आ एशियन सोचूँ मैं तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि वो भी ब्राउन पीपल है हमारी तरह वो मेहनत कर रहे हैं अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं ये हमें डिफॉल्ट है, हम है। उनका मसला नहीं है वो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है दूसरा क्या बात है लोंडे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं इस तरह की बात होगी बहरहाल हमने वीडियो देख लिया और मैं ये समझ रहा था कि जो अभी रिसेंट थ्रेट आया है ना रशिया की तरफ से उन्होंने कहा है कि भाई ज़्यादा तंग ना करो लेकिन नहीं तो फिर ज़िम्मेदार खुद हो गए मैं ये वाला समझ रहा था लेकिन ये तो भाई साल पहले की बात है 2022 में जो है ना रशिया इस चीज़ को माइंड अप करना चाह रहा था वॉर को और ईजिएस्ट वे था इसका कि न्यूक्लियर न्यूक्स गिरा दिए जाएँ और देखी जाएगी फिर आगे लेकिन जाहिर सी बात है अगर यूक्रेन पर न्यूक्स गिरते तो यूरोप जो था उसने शोर मचाना था और एज अ रिजल्ट आपको पता ही है जर्मनी के पास भी न्योक्स हैं यूके के पास भी न्योग हैं यूएस के पास भी न्योक्स हैं है, और वर्ल्ड वॉर थ्री ऐसे कहने टक करके छू के गुजर गई बहरहल उम्मीद तो यही करते हैं कि ऐसे कभी नौबत ना आए क्योंकि नॉर्मली जब जंग होती है ना तो आम लोग जिनका कोई लेना देना नहीं होता वो बेचारे उसमें फंस जाते हैं कन्फ्लिक्ट में तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि यू को पता था हमारी बात तो मानने से रहा तो रशिया जो है वो उन्होंने फिर रशिया के दोस्त से बात की कि भाई हेल्प कर दे यार और ये जो कमेंट कर रहे थे नौजवान ये भी आ, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह से जो है ना एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह से कोई कमेंट करेगा क्योंकि देखें इनकी सोच ये है कि ब्राउन पीपल हैं भाई मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ जो मेहनत करते हैं ना उसको मेहनत का फल मिलता है और अगर हम मेहनत करेंगे हम एजुकेशन लेंगे हम मेरिट पे लोगों को तैनात करेंगे और मेरिट की पॉलिसी अपनाएंगे और हमारे आसपास उभरती हुई मीषतें हैं चाइना है इसी तरह हमारे पास करीब में ही इंडिया है इसी तरह रशिया है जो कि मतलब इतनी ज़्यादा पाबंदियों के बाद और कोल्ड वॉर के बाद भी सरवाइव कर गया तो हमें देखना चाहिए पॉलिसीज़ क्या हैं कौन सा मॉडल अपनाते हैं ये लोग और ईरान है यार मतलब उस पर आप देखो ना अमेरिका ने कितनी बैंड बजा रखी है कि लोगों को ट्रेड तक नहीं करने देता हूँ उसके साथ फ्री एंड फेयर स्टिल ईरान बहुत अच्छा सरवाइव कर रहे तो हमें देखना चाहिए कि ये करते क्या हैं ये लोग और इनमें एक जो चीज़ है ना वो ये कि सेल्फ सस्टेन होते हैं अपनी जो घर की चीज़ें होती हैं बनी हुई उन्हें प्रेफर करते हैं रात एंड इम्पोर्ट्स एंड ब्रांड्स और, और दूसरा लोगों को मेरिट पे लगाते हैं तो हमें भी ये सब सोचना चाहिए हम अच्छे होंगे तो जहर सी बात है लीडर्स भी अच्छे आएंगे जब तक हम अच्छे नहीं होंगे तब तक लीडर भी अच्छे नहीं आएंगे इंडिया को मोदी इसलिए मिला है क्योंकि इंडिया की जो यूथ है या जो लोग हैं वो पढ़ लिख गए हैं उन्हें पता है हमारे लिए अच्छा कौन है तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मिलेंगे अपना ख्याल रखिएगा से